हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम आ पहुँचे हैं भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में, और ये सामने है मथुरा वृंदावन रेल बस। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, मथुरा वृंदावन रेल बस भारत की इकलौती ऐसी रेल बस थी जिसकी सेवाएं अभी तक चल रही थी। फिलहाल ये रेल बस अब बंद हो चुकी है। NCR जोन इंडियन रेलवेज के अंदर ये रेल बस संचालित की जाती थी, और ये आप शेड देख रहे हैं, यहीं पर रेल बस आती थी और मथुरा से वृंदावन 12 किलोमीटर का जो ये हमारा मीटर गेज का ट्रैक है इस पर ये चलती थी। तो फिलहाल ये रेल बस बंद हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, जो भी ऑफिशियल केबिन्स होते थे वो यहाँ पर बने हुए हैं, और मेंटेनेंस का काम भी इसी शेड के नीचे होता था। एक छोटा सा प्लेटफॉर्म था ये मथुरा जंक्शन से लगभग 400-500 मीटर के पास में, मीटर गेज का प्लेटफॉर्म था जहाँ पर रेल बस चलती थी। और अभी कुछ महीनों पहले ही मथुरा की सांसद जी द्वारा नई रेल बस भी दी गई थी। फिलहाल ये रेल बस बंद हो चुकी है, और ये आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म, ये ऐसा हुआ करता था। इस समय तो यहाँ पर आलतू फालतू जो लोग हैं, जानवर हैं, वो घूम रहे हैं। और मथुरा वृंदावन के बीच में अब पहले खबर आई थी कि मेट्रो चलेगी, फिर खबर आई थी कि रेल कम रोड ब्रिज बनना तय है, लेकिन अभी तक इस पर कुछ भी पक्के तरीके से नहीं आया है। ये आप देख सकते हैं साइन बोर्ड मथुरा जंक्शन का, और बगल में जो आप ये ट्रैक देख रहे हैं ये मथुरा से कासगंज जंक्शन की लाइन है जिस पर अब ब्रॉडगेज की ट्रेन्स चलती हैं। तो ये आप देख रहे हैं छोटी लाइन की कुछ पुरानी यादें, मीटर गेज का ट्रैक। इसी ट्रैक से, ये 12 किलोमीटर का ट्रैक हुआ करता था, इसी ट्रैक से रेल बस संचालित होती थी। और अभी नई जो रेल बस बनी थी वो अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ लैस थी। कई सारे उसमें फैक्टर्स थे, कई सारे उसमें सुविधाएं थी। फिलहाल वो भी बंद हो गई, और एक के बाद एक दो रेल बस यहाँ पर जो थी वो बंद हो चुकी थी। सुबह शाम इनकी सर्विस थी। और अब इस ट्रैक पर, इस मथुरा वृंदावन रेलखंड पर क्या कुछ होगा, क्या कुछ खबर है, इसकी अभी पक्के तरीके से कोई भी जानकारी रेलवेज द्वारा, ऑफिशियल्स के द्वारा सामने निकल कर नहीं आई है। ये आप सिग्नल देख रहे होंगे आगे, और इस रेल बस से सफ़र बहुत ही सुहाना होता था। इसके चार स्टॉप थे, मथुरा, जन्मभूमि मसानी होते हुए वृंदावन तक ये रेल बस अपनी सेवाएँ देती थी। एक बार सुबह और एक बार शाम को इसका संचालन होता था। तो ये आप दूर से देख रहे होंगे, शेड बना हुआ है, और ये मीटर गेज का यहाँ पर प्लेटफॉर्म था। तो ये आप देख सकते हैं, अब रेल बस बंद होने के बाद मथुरा जंक्शन पर यार्ड रिमॉडलिंग का काम चल रहा है, जिससे जो भी गाड़ियां, जो भी ट्रेन्स हमारी कासगंज की तरफ से आएंगी, उनको वाया दिल्ली निकालने के लिए एक नया ट्रैक डाला जा रहा है जो कि रेल बस के पास से ही जा रहा है। ये पहले रास्ता हुआ करता था मीटर गेज प्लेटफॉर्म पर आने का, इधर से पीछे की तरफ मथुरा जंक्शन मेन जंक्शन है, जो उसकी फर्स्ट एंट्री है वो इधर से पड़ती है, और यहाँ से ही पहले रेल बस के लिए आते थे। लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंची बनी हुई है ट्रैक की, और ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं ये नया ट्रैक रिमॉडलिंग वर्क में पड़ा है, जो कि निकाला गया है रेल बस के प्लेटफॉर्म के पास से, जो कि जुड़ेगा मथुरा जंक्शन के यार्ड में। तो ये आप देख सकते हैं साफ इलेक्ट्रिफिकेशन भी ट्रैक का साथ साथ चल रहा है। रिमॉडलिंग के लिए मथुरा जंक्शन पर कई सारी ट्रेनें निरस्त हैं, कैंसिल हैं, जो अब फिर से कुछ दिनों के बाद बहाल की जाएंगी। जो आप ये देख रहे हैं सामने ट्रैक, ये नया ट्रैक है, और इसके बगल में ही हमारी मथुरा कासगंज मेन लाइन है। इससे सुविधा हो जाएगी, अब कासगंज की तरफ से जो भी ट्रेन्स हमारी आती हैं वो वाया मथुरा दिल्ली के लिए निकली जा सकती हैं। तो ये आप देख रहे हैं नया पोल, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए वायर्स, सब कुछ यहाँ पर असेंबल हो चुका है, और अब बहुत जल्द ये रूट भी शुरू होने वाला है। अब देखना होगा कि मथुरा से कासगंज के लिए जो दिल्ली की ट्रेन है वो किस तरीके से चलेगी, क्या उनका रूट होगा। फिलहाल अब कासगंज से दिल्ली की सेवाएं जल्द ही शुरू होने वाली हैं। तो ये हम उस समय ट्रैक पर आ चुके हैं अब, जो कि कासगंज की तरफ जाता है। आगे फिर कासगंज से फर्रुखाबाद और बरेली सिटी की तरफ लाइंस डिवाइड होती हैं। तो ये आप देख रहे हैं ताज़ा नज़ारे, मथुरा रेल बस से संबंधित क्या कुछ यहाँ पर कार्य हुए हैं अभी हाल फिलहाल में। और उधर की तरफ मथुरा जंक्शन का मेन यार्ड है, उधर भी अभी हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से मथुरा जंक्शन से इन्होंने कनेक्ट किया है मथुरा जंक्शन के यार्ड को दिल्ली की तरफ,
फरीदाबाद की तरफ और कासगंज जंक्शन और मथुरा जंक्शन अब आपस में कनेक्ट हो चुके हैं दिल्ली की लाइन से। तो अब आप ये देख सकते हैं हम उस ट्रैक पर चल रहे हैं और ये दिशा हो जाएगी इधर मथुरा जंक्शन की यार्ड की। ये आप बिल्डिंग देख सकते हैं, मीटर गेज की रेल बस यहीं से चलती थी, पुरानी यादें हैं। और मीटर गेज की रेल बस को बंद करने का कारण नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स का ना मिलना था। तो अब देखना होगा कि यहाँ से मेट्रो या फिर रेल कम रोड ब्रिज क्या ब्रॉडगेज ट्रैक पे चल पाता है या नहीं, क्या स्थिति होगी वो तो समय ही बताएगा। तो फिलहाल यार्ड रिमॉडलिंग के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 6 व 7 भी बन चुके हैं अलवर की दिशा में, अलवर सेक्शन पर, मथुरा अलवर सेक्शन पर। और इधर 7 के बाद 8, 9 और 10 प्लेटफॉर्म की तरफ ट्रेन इस ट्रैक से होकर गुजरेगी। ये आप देख सकते हैं आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन को भी हटाया गया है इस ट्रैक को निकालने के लिए। और कासगंज से एक बेहतर सुविधा हो जाएगी अब वाया मथुरा, फरीदाबाद, हज़रत निज़ामुद्दीन होते हुए दिल्ली की तरफ, क्योंकि काफ़ी दिनों से डिमांड चल रही थी कासगंज से दिल्ली ट्रेन की सुविधा के लिए। तो वो मथुरा से वाया निकाली जाएगी। और क्योंकि अब मथुरा रेल बस के पास से ही ये ब्रॉडगेज का ट्रैक गया है, तो मथुरा में जो रेल बस हमारी चलती थी मथुरा वृंदावन हेरिटेज लाइन के रूप में, जिसको सवारने के लिए भी सोचा गया था, फिलहाल अब वो काम नहीं हो पाएगा। और ब्रॉडगेज ट्रैक अगर पड़ता है मथुरा से वृंदावन के बीच में, तो उस पर ट्रेन चल सकती है जिसको कनेक्टिविटी मिल सकती है मथुरा जंक्शन से, या फिर मथुरा से वृंदावन के बीच में मेट्रो, या जिस तरीके से हमारा दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर बना है वो सेक्शन भी अगर मथुरा से वृंदावन के बीच में बने और फ्रीक्वेंसी के साथ जो हमारी नमो भारत ट्रेन है वैसी हो, या फिर मेट्रो की सुविधा मिले, तो कुछ हो सकता है। तो ये अब आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं मथुरा के यार्ड में, और इधर की तरफ से मालगाड़ी गुजर रही है जो फरीदाबाद से आ रही है और मथुरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 व 2 की तरफ निकल रही है। तो इसी तरीके से ये ट्रैक यहाँ से जाके फिर आगे यार्ड में जुड़ जाएगा। और एक इधर नया टॉवर वैगन शेड भी NCR जोन मथुरा जंक्शन पर बना रहा है, जो कि इस ट्रैक से आगे की तरफ जाएगा। और फिर अब एक बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी राजस्थान से भी और नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली से भी, उत्तर प्रदेश के कासगंज और जो अन्य हमारे रेल रूट पड़ते हैं कासगंज से लखनऊ या फिर बरेली सिटी होते हुए, तो एक बेहतर सुविधा मिलेगी। तो ये अब आप देख सकते हैं यार्ड के हम आपको दिखा रहे हैं सीन, उधर की तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 6 व 7 भी बना है और मथुरा जंक्शन से संबंधित यार्ड रिमॉडलिंग का जो फाइनल वर्क हुआ है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आप वो देखेंगे, ज़रूर देखिएगा वो भी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और ऐसा कंटेंट आप देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो ये अब आप देख सकते हैं हम बीच में हैं, ये जो आप लेफ़्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं ये नई लाइन है, और राइट हैंड साइड पे मथुरा जंक्शन का यार्ड है जिसको आगे कनेक्ट किया गया है बेहतर ढंग से। और रेल बस की तरफ से एक नया ट्रैक अब आपको देखने को मिलेगा। पहले रेल बस के साइड से कासगंज लाइन जाती थी, लेकिन अब ये नया ट्रैक भी जोड़ा जा चुका है मथुरा जंक्शन से। और इसी कैंची से वाया फरीदाबाद होते हुए दिल्ली की तरफ ट्रेन्स निकाली जाएंगी। तो ये हुआ था यार्ड रिमॉडलिंग में मेजर वर्क, जिससे कासगंज की तरफ की ट्रेन्स को भी अब कनेक्टिविटी मिलेगी मथुरा जंक्शन से NCR जोन आगरा मंडल। साथ ही साथ आगरा कैंट की तरफ की ट्रेन्स को भी प्लेटफॉर्म नंबर 8, 9, 10 पर लिया जा सकता है। एक बेहतर कनेक्टिविटी अब मथुरा जंक्शन के सारे प्लेटफॉर्म से हो जाएगी। तो ये था आज का वीडियो जिसमें आपने देखा मथुरा वृंदावन रेल बस का क्या है ताज़ा हाल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।